ओके तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स का नोटिफिकेशन सेटिंग्स का ऑप्शन यहाँ पर ही मिलता है। देखिए ये है नोटिफिकेशन सेटिंग्स का ऑप्शन। तो यहाँ पर आप पहले कैसे जाएंगे मैं ये बता देता हूँ, फिर आपको जो भी नोटिफिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है यहाँ पर हम सब सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं यहाँ से इसे कट कर देता हूँ, तो इसे कट कर देते हैं। ठीक है, अभी इसको मैं यहाँ पर छुपा देता हूँ। ठीक है, अभी आपको देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, विंडोज प्लस आई, तो यहाँ पर आपकी सेटिंग्स आ जाएगी। या फिर आप यहाँ से क्लिक करके यहाँ से भी सेटिंग्स में जा सकते हैं, ये भी सेटिंग्स है, आप जा सकते हैं। ठीक है, तो हम आ जाते हैं सेटिंग्स में। अब आपको यहाँ पर नीचे दिखता है सिस्टम डिस्प्ले एंड नोटिफिकेशन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे नोटिफिकेशन एंड एक्सेस, ये रहा, आपको इसे ओपन कर लेना है। अब देखिए किस किस चीज की नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको आना चाहिए नहीं आना चाहिए। देखिए अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आते हैं तो यहां से इसे ऑफ हो गई आपका, इसलिए नहीं आ रहे होंगे, तो आपको मेक श्योर करके इसे ऑन रखना है। और शो मी द विंडोज वेलकम एक्सपीरियंस आफ्टर अपडेट एंड ओकेजनली व्हेन आई साइन इन आफ्टर द सजेस्टेड, तो हमें नहीं चाहिए, फालतू टाइम वेस्ट होता है, हमें ये सब नहीं चाहिए। देन आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन जैसा मैंने बताया आप ऑन रखना चाहे ऑफ रख सकते हैं। फिर क्विक एक्शन प्रेस एंड होल्ड सेलेक्ट क्विक एक्शन टू ड्रैग द रीअरेंज देम, दिस क्विक एक्शन अपीयर्स इन द एक्शन सेंटर। आप इसको क्विक एक्शन एक्शन सेंटर में यहाँ पर नीचे आप लगा सकते हैं, ले सकते हैं, तो यहाँ पे आपके काम आएंगे। तो कुछ यही सेटिंग्स होती हैं। आप यहाँ पर अपनी पर्टिकुलर ऐप की भी नोटिफिकेशन ऑन ऑफ कर सकते हैं, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट से नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, सेटिंग से नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, और या कहीं और से आपकी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन नहीं चाहिए तो ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उसका सलूशन बताऊंगा। वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।